बेलारूस के एक एक्टिविस्ट ने दावा किया कि रूस और बेलारूस के 30,000 सैनिकों को यूक्रेन 6 घंटे में ही हरा देगा। जंग की शुरुआत में ही रूस ने बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था, अब भी वो उसकी सेना का बेस बना हुआ है। जहां से यूक्रेन में घुसकर रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए और अब तो खबर है कि वहां रूस ने अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। रूस के हजारों सैनिक बेलारूस पहुंच गए। इसके साथ ही उसकी सेना के सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी वहां जमा हो गई हैं। माना जा रहा है कि रूस जल्द ही कीव पर एक बड़ा हमला करने वाला है, क्योंकि ईरान के ड्रोन की मार से बदहाल कीव को हथियाना रूस को आसान लग रहा है और बेलारूस तो पूरी तरह उसके साथ खड़ा है। उसने न केवल अपनी जमीन पुतिन के कदमों में बिछा रखी है बल्कि वो जंग में अपने सैनिकों को भी उतार सकता है। लेकिन दावा किया गया कि दोनों देशों के 30,000 सैनिक भी आ जाएं तो उन्हें 6 घंटे में ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार बेलारूस पहुंची पुतिन की सेना में वो बात नहीं है जैसी जंग की शुरुआत में थी। दावा किया गया कि पुतिन ने जिन लोगों को सैनिक का नाम देकर रूस से भेजा है वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं है और इसी वजह से उन्हें ढेर करने में यूक्रेन की सेना को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दावा है कि पुतिन ने बेलारूस में जो सेना भेजी उनमें न तो ट्रेंड सैनिक हैं और न ही भाड़े के खतरनाक सैनिक, बल्कि रूस के अलग अलग इलाकों से जुटाए गए लोगों को हथियार देकर लड़ने के लिए भेज दिया गया है। दावा किया गया कि रूस से भेजे गए सैनिक अभी ट्रेनिंग ही ले रहे हैं। इसके लिए वहां 2 बड़े ट्रेनिंग ग्राउंड तक बनाए गए हैं, जिनमें एक बेलारूस के उत्तर में है तो दूसरा पोलैंड की सीमा के पास बना है। दावा किया गया कि वहां रूसी सेना को राइफल चलाने से लेकर हल्के हथियार इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन दिखाया ऐसे जा रहा है जैसे रूस की एक बड़ी फौज बेलारूस के रास्ते हमले की तैयारी में जुटी है। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि बेलारूस भी अपनी सेना को रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ने भेज सकता है और दोनों मिलकर जेलेंस्की की सेना को धराशायी कर देंगे। रूस और बेलारूस मिलकर ऐसा हमला बोलेंगे कि कीव यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन दावा किया गया कि दोनों मिल भी जाएं तो भी जंग के 8 महीने बाद ऐसा संभव नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बेलारूस की सेना ने भले ही ट्रेनिंग ले ली हो लेकिन उसे असली जंग का अभी अनुभव नहीं है, जबकि रूस के साथ अब पहले वाले सैनिकों का दम नहीं रह गया है। जंग की शुरुआत में ही करीब 20,000 से ज्यादा सैनिकों ने कीव की घेरेबंदी कर दी थी, तब कई दिनों के भीषण हमलों के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था और अब तो दावा है कि रूस के नए सैनिक पूरी तरह ट्रेंड भी नहीं है। ऐसे में कीव जीतना तो दूर, वो जंग में अपनी जान बचा लें यही बड़ी बात होगी और लगता है कि बेलारूस भी इस बात को अच्छी तरह समझता है, तभी तो वो ड्रोन से हमला करने की ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है जिसके जरिए वो यूक्रेन पर आसमान से हमला बोल सके और उसके सैनिकों को जमीनी हमले से बचाया जा सके। बेलारूस ने दावा किया कि जल्द ही वो ऐसे ड्रोन अपनी सेना को देगा जो जासूसी के साथ साथ हमला भी कर सके। उसके मुताबिक आज के समय में अगर खुद को बचाना है तो जंग में ड्रोन ही सबसे बड़ा सहारा है। इसके साथ ही बेलारूस ने दावा किया कि उसकी सेना को आधुनिक टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और खतरनाक हथियारों की भी जरूरत है, जबकि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी उसे चाहिए। माना जा रहा है कि पुतिन के दबाव में देर सवेर बेलारूस की सेना को भी जंग में उतरना ही पड़ेगा और इसीलिए वो अपने आप को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है।